नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की कोई मदद न करने के आरोप पर देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे मीडिया के सामने आए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए साल्वे ने कहा कि खेल कोर्ट के फैसले को वह स्विस कोर्ट में चैलेंज करना चाहते थे, मगर इस बारे में विनेश ने अपने वकीलों के जरिए आगे कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें कि साल्वे ने खेल कोर्ट में सिल्वर मेडल के लिए विनेश के पक्ष में पैरवी की थी। साल्वे का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। खेल कोर्ट में भी उन्होंने खुद ही केस किया था। भारतीय दल ने तो उन्हें इसके बारे में बताया तक नहीं था। विनेश ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा पर भी आरोप लगाए थे। विनेश ने कहा था कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान बिना परमिशन के उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई। विनेश फोगाट ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन की वजह से फाइनल मुकाबले से बाहर हो गई थी। इसके बाद उन्हें बिना मेडल लौटाना पड़ा। देश लौटकर वे कांग्रेस में शामिल हो गई। अब वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिनकी जुलना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। विनेश ने पिछले दिनों दावा किया था कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था। यह उन्हें भारतीय डेलीगेशन नहीं बल्कि एक दोस्त ने बताया था। बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, मेरी कोई मदद नहीं की गई। केस भी मैंने किया था, ये लोग बाद में आए थे। वो मेरा नहीं, देश का मेडल था। देश चाहता तो ला सकता था। वह कौन नहीं लेकर आए सबको पता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।